भारत सरकार द्वारा जारी आदेश अनुसार जनपद प्रयाग में भी जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार के निर्देशन में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जनपद के सभी कार्यालय, शिक्षण संस्थानों, ग्राम पंचायतों समेत केदारनाथ धाम में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। इस साल स्वच्छता ही सेवा अभियान की थीम कचरा मुक्त भारत है और इसके केंद्र में संपूर्ण स्वच्छ गाँव तथा साफ सफाई को प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली बनाना है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत बाबा केदारनाथ धाम से लेकर सभी नगर क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुशील कुमार कुरील ने कहा है कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत पर्यावरण मित्रों एवं नगर के सामाजिक संगठनों, व्यापारियों के सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पर्यावरण मित्रों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा। वहीं पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए नियमित सफाई करने एवं दूसरों को जागरूक करने की शपथ भी ली जा रही है। उत्तराखंड समाचार के लिए रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि इसमें जो है हमारे जो हमारा विभाग है निदेशालय, वहाँ से भी निर्देश आ चुके हैं। उसके संबंध में डीएम साहब और सीडीओ साहब भी उस बैठक में, तो उनके द्वारा जो है इस संबंध में कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 15 तारीख से जो 2 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम होने हैं उसमें क्या क्या डेट वाइज करना है, तो 18 से 25 तक जो है जो हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं उनके उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए जो भी उनको हम सुविधाएं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से काम करते हैं और वो हमारे पालिका की रीढ़ की हड्डी हैं, तो उनके लिए हम जो है यहाँ पे कैंप भी लगवाएंगे 18 से 25 तक। और उसके बाद जो है 1 से 2 तारीख तक वो हमारा वृहद जो स्वच्छता कार्यक्रम भी चलेगा।